नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फनी प्लांट गार्डन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज फ्रेंड्स मैं बैगन प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं, जो ब्रांचिल प्लांट होते हैं इनकी कैसे देखभाल करें ताकि इसमें अच्छे से फ्लावर आए, और फ्लावर जब अच्छे से आएंगे तो इसमें वेजिटेबल अच्छे से लगेंगे। तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कब कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, आज इसकी बात मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरा बैगन का जो प्लांट है इसमें फ्लावर आ रहे हैं, और साथ में इसमें बैगन भी लग रहे हैं, भी छोटे छोटे से हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही हेल्दी प्लांट है। तो इस पर मैं क्या करती हूँ और किन बातों का ध्यान रखती हूँ ताकि जो अच्छे से चले। तो फ्रेंड्स टाइम टू टाइम इनको पहले तो पानी देते रहना है, और आपको ऐसी जगह पर लगाना है जहाँ इनको अच्छी सी धूप मिल सके। जितने भी फ्रेंड्स वेजिटेबल प्लांट्स होते हैं उनको धूप अच्छी चाहिए होती है, तभी उसमें अच्छे से वेजिटेबल आएंगे, अच्छे से फ्लावरिंग होंगे। फ्रेंड्स अगर हम पॉट में लगाते हैं तो इस प्लांट को ऐसी जगह पर रखें जहाँ इनको 4 या 5 घंटे की धूप मिल सके। पूरे दिन की धूप नहीं चाहिए होती। अगर ग्राउंड पे लगा हुआ है आपका बैंगन का प्लांट तो पूरे दिन की धूप चल जाएगी, लेकिन पॉट में है तो पूरे दिन की धूप इनको नुकसान भी कर सकती। हो सकता है आपके जो फ्लावर आए वो गिर जाए या इसमें वेजिटेबल ही ना लगे। तो इन चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा कि अगर पॉट में है तो इनको 4 या 5 घंटे की धूप मिल सके तो अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर ग्राउंड पे है तो ग्राउंड पे लगा हुआ कोई प्लांट होता है वो सर्वाइव कर जाते हैं, उसमें अच्छे से फ्लावर भी आते हैं, वेजिटेबल भी अच्छे से लगे होते हैं। और फ्रेंड्स आती है पानी देने की बात, तो पानी आप इनको बराबर दीजिएगा, बस ज़्यादा गीली मिट्टी ना हो, यानी कि हमारा पौधा जो होता है गलने लगता है अगर ज़्यादा गीली मिट्टी हो जाती है, ज़्यादा पानी हो जाता है, फंगीसाइड भी हो जाता है कभी कभी इसमें। तो इतना ध्यान दीजिए ज़्यादा पानी ना होने पाए। अगर ज़्यादा पानी हो जाता है तो प्लांट ख़राब तो होते हैं, साथ में क्या होता है अगर बच भी जाते हैं तो जो फूल आते हैं गिर जाते हैं या फल लगते ही नहीं है, पौधे हमारे ख़राब हो जाते हैं, पत्तियाँ पीली पड़ के गिर जाती हैं ज़्यादा ओवर वाटरिंग होने की वजह से। और फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा होता है कि पानी कम होने की वजह से भी हो जाता है। तो वाटर लेवल आप लोग बना के रखेंगे तो आपका प्लांट अच्छे से चलेगा। अब आती है फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र की बात। फर्टिलाइज़र की मैं बात करूँ तो मैं हमेशा आप लोग को सजेस्ट करती हूँ घर का बना हुआ ही फर्टिलाइज़र दें, खास करके लिक्विड फर्टिलाइज़र। जो हमारा किचन वेस्ट होता है वो अगर देते हैं तो हमारे जो वेजिटेबल प्लांट है उसमें जल्दी से वेजिटेबल्स आती हैं और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से चलती है। तो आप घर का बना हुआ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अगर प्लांट को देते हैं तो आपका जो वेजिटेबल आएगा वो भी हेल्दी रहेगा, ऑर्गेनिक रहेगा। और फ्रेंड्स अभी मैं बात करूँ, इस टाइम पे मिली बग्स का बहुत अटैक होता है। मिली बग्स हो गए, ब्लैक स्पाइडर्स होते हैं, तो जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं सब पे अटैक कर जाते हैं। तो आप कोई अच्छा सा घर का बना हुआ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारे जो प्लांट है अच्छे से ग्रो कर। अगर मिली बग्स स्पाइडर्स का या फिर इस तरह का अटैक हो जाता है तो पौधे ग्रो नहीं कर पाते हैं, खास करके जो इसमें वेजिटेबल्स लगती हैं, जो फूल आते हैं बिल्कुल भी नहीं आ पाते हैं, सही से नहीं निकलते, अनहेल्दी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप घर का बना हुआ ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं। मैंने पेस्टिसाइड पे कई वीडियो बना के रखी हुई फ्रेंड्स, अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगी कि आप किस तरीके से घर पर ही कीटनाशक तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल ही अच्छा होता है, बिल्कुल हार्मफुल पेस्टिसाइड नहीं होता हम अगर घर पर बनाते हैं। किचन में ऐसी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम कीटनाशक तैयार कर सकते हैं अपने प्लांट के लिए, फ्लावर्स और वेजिटेबल्स के लिए, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है, और समय की और पैसे की दोनों की बचत होती है। तो अभी इस टाइम पे तो बहुत ज़रूरी है कि दोनों हम बचा के रखें। अति फ्रेंड्स ग्रो करने की बात, तो इसको हम सीड से ही ग्रो कर सकते हैं प्लांट को। तो आप इसके अगर पौध इसको मिल जाती है तो पौध से लगा सकते हैं, यानी तो सीड से तो इजीली ग्रो हो जाता है, आप कहीं पे इसके सीड मिल जाएंगे। हमारे यहाँ वेजिटेबल्स आते हैं ब्रांचिल के, तो कभी कभी उनके सीड पके हुए होते हैं तो हम उससे भी ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको लगाना ग्रो करना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड आज के लिए मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को मेरे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको अपनी नई वीडियो, नए प्लांट, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।